बतरौली धुरखड़वा में अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक बार फिर गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर। कोर्ट में विचाराधीन मामले में राजस्व की ज्यादती। कुशीनगर जनपद के विशुपुनरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बतरौली धुरखड़वा में कई दशकों से निवास कर रहे गरीबों के आशियाने पर राजस्व टीम के द्वारा ज्यादतीय करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के द्वारा माननीय न्यायालय कसिया में मुकदमा किया गया, जिसमें अगली सुनवाई 1 फरवरी 2023 को है, परंतु राजस्व निरीक्षक व राजस्व टीम के द्वारा दिनांक 14 फरवरी को बिना पूर्व सूचना और न ही कोर्ट के अनुमति हम गरीबों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे सभी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। एक परिवार यह भी बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्तियों से रास्ता को लेकर कई बार विवाद हुआ है। पूर्व प्रधान के द्वारा रास्ता भी दे दिया गया, लेकिन विपक्षी लोग काफी दबंग किस्म के लोग हैं। इतने और भी कहा, इस ग्राम सभा में मेन रास्ते से सटे सैकड़ों घर बसे हुए हैं और सभी लोग सरकार के ही जमीन में बसे हैं। माने तो सभी अवैध अतिक्रमण किए हैं। अगर अवैध अतिक्रमण ही हटवाना है तो सभी का हटवाएं। और दूसरी बात, अतिक्रमण हटवाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और मुख्य बात, जब माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख भी तय था, माननीय न्यायालय के आदेश को नीचा दिखाते हुए राजस्व टीम के कुछ अधिकारियों द्वारा अपने मनमानी तरीके से पीड़ित के आशियाने पर बुलडोजर चलवाया गया, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों के वजह से। गुड्डी घर कौन सा ग्राम सभा है? कौन सा ग्राम सभा है? क्या मामला है, क्या हुआ आप लोगों से? नहीं ये बतलाइए आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई किए आप लोग? पूरा सुनवाई नहीं कहा है, बिशनपुरा सुनवाई नहीं कर रहा है, थाना बिशनपुरा ही पड़ता है आप लोगों का, कहा नहीं सुनवाई है? नहीं। अच्छा ये लोग नहीं रहने दे रहे हैं। अच्छा जो कुछ भी कर रहे हैं तो ये बताइए कि आप लोग प्रशासन के पास पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं थाना नहीं सुनवाई दे रहे हैं तो उसके बाद से सीओ साहब पड़े हैं, सीओ साहब के पास से अगर उससे भी नहीं हो रहा तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप लोग डीएम साहब के पास ऑनलाइन भेजिए, मुख्यमंत्री के पास ऑनलाइन भेजिए, क्यों नहीं करते हैं आप लोग ऐसा? अच्छा किन से मामला चल रहा है आप लोगों का, झगड़ा किन से? ये बताइए आप लोग जिस जमीन में बसे हैं जमीन कैसा है? जमीन नाम से नहीं है। नाम से नहीं है, अवैध है? हाँ। कितना दिन हो गया बसे हुए आप लोगों को? 100 साल से ऊपर हो गए, 3 पुस्तान बेसी हो गए। ये बताइए 3 पुस्तान आप लोग का हो गया, अभी तक कागज पत्र और यहाँ पे बसे हैं तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि सरकारी अवैध अतिक्रमण में आप लोग बसे हैं? आज नहीं तो कल सरकार ले लेगा जमीन, आप लोग इसके बारे में कभी खोजे नहीं है? अच्छा पूरा ग्राम सभा ही एथिम बसा हुआ है? ठीक है।